नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है यामा FGX का माइलेज। तो हम देखते हैं कि सिटी में क्या माइलेज दे रहा है और हाईवे पर हमें क्या माइलेज मिल रहा है। दोस्तों, आज हम FGX के माइलेज के बारे में बात करेंगे कि इससे हमें कितना माइलेज मिल रहा है। जो इसे ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं या ख़रीद चुके हैं, उसके लिए माइलेज इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि गुड लुकिंग के साथ में अच्छी माइलेज मिल जाए तो वो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। इसके माइलेज के संबंध में मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका 1 लीटर पेट्रोल डाल के ऐसा कुछ करके मैंने इसका माइलेज नहीं निकाला है, लेकिन जो भी मैंने अपना पर्सनल अनुभव हुआ कैलकुलेशन के आधार पर मैं जो माइलेज बता रहा हूँ वो बिल्कुल स्टिक है। तो मैं आपके इसका माइलेज के बारे में बता देता हूँ। इसका माइलेज है, जो सिटी के अंदर जो इसका माइलेज है वो है 50 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में ये 50 किलोमीटर का सफ़र मैक्सिमम तय कर लेती है। और हाईवे पर इसका जो माइलेज है वो थोड़ा कम है, या हाईवे पर 1 लीटर में मैक्सिमम 45 किलोमीटर तय कर पाती है, यानी कि इसका माइलेज हुआ 45 किलोमीटर पर लीटर। तो हाईवे पर इसका माइलेज थोड़ा कम है, लेकिन सिटी में ये बेहतरीन है इसका माइलेज। और जिस प्रकार ये 150 सेगमेंट की जो बाइक है उस हिसाब से इसका माइलेज बहुत अच्छा है। इस वीडियो के साथ में बस इतना ही। यदि ये मेरा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।